गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार डांगी। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सेट्स लिख रहा है ना। सेट्स हिंदी में होता है समुच्चय। हमने इससे पहले वाले वीडियो में टिक्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज हम सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, है ना। ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा, ये आपकी 11th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर हम बात करें पहले लेसन की तो वो यही है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय अगर मैं बात करूं कि सेट्स होता क्या है, समुच्चय क्या होता है, तो शायद आपको नहीं पता। लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है कि ये सेट का नाम आप लगभग सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा और नॉर्मली सब यूज भी करते हैं इसका, है ना। अब यूज कहां करते हैं, देखो कभी आपने ऐसे देखा है कि साबुन का सेट बना लिया, है ना, जूतों का सेट, या लेडीज देखो चूड़ियों का सेट बना लेती है, है ना। तो चूड़ियों का सेट बना लेती है, वही सेट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो सेट्स मैंने आपको पहले बताया कि हम जब गणित पढ़ते हैं तो सुविधा के लिए पढ़ते हैं, और ये जो सेट्स पढ़ रहे हैं ये भी सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है। देखो ध्यान से कि सेट, है ना, हमने अपनी व्यवहारिक जीवन में बहुत बार इस चीज का प्रयोग किया है कि पेन का सेट बना लिया, दो पेन एक साथ रख लिए, ठीक है। और आपने कभी देखा होगा सेट बनाते हैं तो उन्हें एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक साथ इकट्ठा। जैसे मैंने अभी कहा जूतों का सेट बना लिया, तो जूतों को एक साथ डब्बे में रख के और फिर लेके जाते हैं, है ना। या फिर ये कहें कि हमने पेंसिल का सेट बना लिया, तो दो चार पेंसिलें एक साथ किसी ड्राइंग बॉक्स में या फिर बांध के रख ली किसी चीज को, है ना। आप बुक सेलर के पास जाओ तो वो आप क्या पूछेगा, वो बताओ भाई कौन से क्लास का सेट चाहिए आपको, तो आप कहोगे सर मुझे 11th का सेट चाहिए, तो वो फिर पूछेगा कि मैथमेटिक्स का चाहिए या बायोलॉजी का चाहिए, है ना। साइंस का लोगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा मैथ का, तो वो क्या करता है सारी किताबों को एक साथ, है ना, बांध के रख लेता है सारी किताबों को, और जैसे ही आपने सेट मांगा यूं का यूं बंडल उठा के आपको दे दिया। तो सुविधा देखो कितनी है, ना, सेट बनाने में कितनी सुविधा होती है। कभी आपने लाइब्रेरी गए होंगे या फिर देखी होगी टीवी में, तो ऐसा देखा होगा कि सारी बुक्स अपने व्यवस्थित क्रम में होती है सारी की सारी, है ना। अब उनका सबका सेट बना होता है, कौन सी बुक्स कहाँ है वो सब पता रहता है उन्हें, है ना, उन सबका सेट बनाए रखते हैं। अगर गलती से वो सेट ना बनाए और सारी किताबों को ढेर लगा के एक मैदान में रख दे और फिर आपसे कहे कि कोई एक बुक छांट लो जो आपको चाहिए, तो क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? अगर ढूंढ भी पाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसी तरह से मेडिसिन की दुकान पे जाए आप तो वो सारी दवाइयों के अलग अलग खाने बना के रखता है, सेट बना लेता है सब दवाइयों के अलग अलग, ए नाम की, बी नाम की, सी नाम की, या जो भी उसको सुविधा लगे उस हिसाब से। अब वही सवाल वापस से, अगर वो उन सब चीजों को एक साथ पटक ले और फिर आपको दवाई ढूंढ के दे, तो उससे तो पूरे दिन में एक पर्ची की दवाई ना ढूंढी जाए, है ना। तो कुल मिला के सेट्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं, उपयोग के लिए। तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा कि सेट्स होते क्या है, है ना। तो सेट्स की एक परिभाषा डिफाइन करते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को या इकट्ठा करना एक ही बात है, संग्रह को समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं। ये आपको परिभाषा हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। सेट इज वेल डिफाइंड, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तु परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इस परिभाषा को फिर मैं कह रहा हूं कि एक बार दिमाग में बिठा लेना है कि सुपरिभाषित, देखो हर एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। मैंने यहां लिखा सुपरिभाषित, सुपरिभाषित क्या है, ठीक है। वस्तु तो ऑब्जेक्ट्स हो गई, कोई भी वस्तु हो, जैसे अगर आप पेन का सेट बना रहे तो आपको पेन वस्तु कहलाएगी, ठीक है। अगर आप नंबर्स का सेट बना रहे तो नंबर्स वस्तु कहलाएगी, और संग्रह मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, समुच्चय कहते हैं यानी सेट कहते हैं। अब ये एक वर्ड रह गया सुपरिभाषित, इस सुपरिभाषित को मतलब समझो। सुपरिभाषित का मतलब है कि जिन्हें हम परिभाषित कर सकें, मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, गिन सकें, या ऐसे कथन जिन पर सभी व्यक्तियों की राय एक हो, सुपरिभाषित वाक्य या सुपरिभाषित वस्तु कहलाते हैं, है ना। समझ में आया थोड़ा बहुत मैंने क्या कहा? देखो जैसे मैंने पूछा कि बताओ सूर्य कहां से उगता है, तो सबकी एक राय होगी, है ना, कि सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कथन ऐसा हो
कि जिसके ऊपर सब ये सुपरिभाषित हो गया है ना, जिस पर सभी की राय एक ना हो। जैसे मैंने कहा कि सबसे ताकतवर हीरो कौन सा है, ठीक है, तो अब ताकतवर कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिससे आप डिफाइन कर सके, है ना। अब मैंने ये कहा कि बताओ इंटेलिजेंट व्यक्ति दुनिया में कौन है, अब आप कोई कहेगा आइंस्टीन था, कोई कहेगा कि मैं खुद हूं, है ना, जरूरी थोड़ी है किसी दूसरे का नाम ले। तो जहां आपका सभी व्यक्तियों की राय एक ना हो ना, वो कथन सुपरिभाषित नहीं होता। कथन की बात करें और बात करें वस्तुओं की, तो जिन्हें हम गिन सके देख सके, अब तारे हैं, अब तारों को कोई गिन सकता है क्या, तो वो परिभाषित नहीं है, ठीक है, उनका आप समुच्चय नहीं बना सकते। तो केवल किन का समुच्चय बना सकते हैं, सुपरिभाषित का, और जिनका संग्रह किया जा सके यानी इकट्ठा किया जा सके। मैंने अभी कहा ना ऐसी वस्तु जिन्हें देख सके, छू सके, महसूस कर सके, गिन सके, ठीक है। अब हवा है ना, बहुत सारी गैस होती हैं, गैसों का समुच्चय बना सकते हैं आप, है ना, एक तरह की गैस भर के रख दी डब्बी में और उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया तो बन सकता है, क्योंकि उन्हें हम सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपरिभाषित का मतलब आप एक बार ध्यान से समझें, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस कथन का समुच्चय बना सकते हैं, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है, ठीक है, ये परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और मैंने अभी आपसे कहा कि समुच्चय आप किन किन के बना सकते हैं जो सुपरिभाषित हों, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे होंगे, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, दो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ऐसी बहुत सारे आपको कथन दिए जाएंगे। आपको बस ये एक लाइन समझ के रखनी है कि केवल सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे कि ये जो समुच्चय हमने बनाया सेट्स, है ना, या सेट बनाए जो भी, है ना, इन्हें आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर को समुच्चय से व्यक्त करते हैं। हालांकि सेट है तो आप कैपिटल एस लिख सकते हो, किसी समुच्चय को आप ए नाम दे सकते हो, किसी को बी नाम दे सकते हो, है ना। मैंने अभी क्या कहा कि किसी समुच्चय का नाम देना हो तो आप उन्हें कैपिटल ए बी सी डी से देंगे, और इनकी वस्तुओं को समुच्चय की, मान के चलो आपने एक बैग लिया और उसमें 11th की बुक रख ली, तो वो समुच्चय बन गया आपका, बैग एक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। आप उस बैग को नाम देंगे कैपिटल ए बी सी डी से, और उसके अंदर जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं को स्मॉल ए बी सी डी यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो आपको दो बातें समझ में आई कि समुच्चय को बड़ी ए बी सी डी से और वस्तुओं को छोटी ए बी सी डी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि कोई अवयव, है ना, यदि कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो, मान के चलो कोई वस्तु किसी समुच्चय में स्थित है, तो आप उसे इस तरह से व्यक्त करेंगे, A belongs to A, ये belongs to का चिन्ह होता है उल्टे E जैसा, ऐसे, है ना, epsilon जैसा, ये epsilon, तो ये इसे कहते हैं कि A सदस्य है A का, या small A अवयव है किसका, समुच्चय A का, तो A belongs to A, ऐसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, A सदस्य है A का हिंदी में पढ़ लेते हैं, A सदस्य है B का ऐसे पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि B अगर कोई समुच्चय है तो उसमें A वस्तु है, स्थित है, समझ में आ गया। जैसे आपने 11th की मैथ का कोई सेट ले रखा है तो मैं कहूंगा फिजिक्स की बुक जो है ना, फिजिक्स की बुक्स 11th के कोर्स में है, तो ये तो आपका समुच्चय हो गया और ये आपकी वस्तु हो गई, ठीक है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए कि कोई वस्तु अगर किसी समुच्चय की सदस्य है तो उसे इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। देखो हम मैथ्स में सरलीकरण बहुत करते हैं, है ना, चीजों को शॉर्ट कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं हिंदी में कि अवयव ए समुच्चय ए का सदस्य है तो कितनी लंबी लाइन होती है, और मैंने केवल इतना लिखा कि टू बिलोंग्स टू ए, मतलब दो ए में स्थित है, है ना, बोलने को तो वही बोला जा रहा है लेकिन लिखने में देखो कितना सा आसान हो गया, टू बिलोंग्स टू ए। अगर कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है तो उसे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा के और फिर उसे काट देते हैं, ये एप्सिलॉन लगाया और काट दिया, ऐसे ऐसे ई बना लेते हैं ना, सी बना के उसमें एक डंडा लगा देते, ई जैसा होता है, इसको काट दो मतलब सदस्य नहीं, ठीक है। अब मान के चलो आपने वही वापस से एग्जांपल लूं कि 11th की आपने किताब ले रखी है और उसमें इंग्लिश की बुक नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इंग्लिश डज नॉट बिलोंग टू 11th के कोर्स में नहीं है, ठीक है, आपने नहीं ली या खरीदी नहीं,
तो इसका मतलब ये जो इंग्लिश की बुक है वो आपके 11th के कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये सुविधा के लिए बनाते हैं हम जो भी चीजें लिखते हैं, तो उसके लिए आपको इस चिन्ह की जरूरत पड़ती है। इस चिन्ह को फिर कह रहा हूं एप्साइलन बोलते हैं, है ना, और ऐसे बोलते हैं इसे टू बिलोंग्स टू, जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, हिंदी में पढ़ना है तो ए सदस्य है कैपिटल ए का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ये समझनी है। अच्छा, तो कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ ली, अब बात करता हूं मैं समुच्चय बनाने की, ठीक है। ये तो आपने समुच्चय के बारे में सीख लिया, समुच्चय बनाते हैं। सबसे पहले संख्याओं के समुच्चय के बारे में सोचते हैं, संख्याओं का समुच्चय। देखो कुछ विशेष समुच्चय मैं पढ़ा रहा हूं, संख्याओं का समुच्चय। नंबर एक प्राकृत संख्याएं, संख्याएं तो पढ़ी है ना आपने, प्राकृत संख्याएं, और शायद आपने ना इन सब चीजों के जो सिंबल्स हैं या समुच्चय हैं वो भी सीखे हुए हैं, नहीं सीखे तो आप यहां देखेंगे। तो प्राकृत संख्याओं या संख्याएं जो है, है ना, उसका समुच्चय क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मैंने कहा ना किससे व्यक्त करेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, तो मेरे पास एक समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का, ठीक है ना, इन्हें गिन सकते हैं प्राकृत संख्याओं को, तो जब गिन सकते हैं तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन गया। इन समुच्चयों को आप कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एन से, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो संख्याओं की बात करें तो आपने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी होगी कि इंसान को जब गणित का बहुत कम ज्ञान था तब उसने प्रकृति से संख्याएं सीखी, है ना, और जीरो तो था ही नहीं, जीरो तो आर्यभट्ट ने बाद में दिया, उससे पहले गिनतियां अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी, इस तरह से रोमन वाले लिखते थे, ऐसे तो सबने गणित पढ़ी होगी, 1 2 3 4 5 पढ़ी है ना, 4 5, इसमें जीरो की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि जीरो था ही नहीं, है ना, तो काउंटिंग कैसे चलती थी, ऐसे रोमन ऐसे करते थे और उन्होंने इस तरह से हमें सिखाया, और ये चली भी स्टार्टिंग में, आज तक इन्हें यूज कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हैं ना यूज, ये रोमन ही तो है, हिंदी थोड़ी है, हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3 ऐसे, है ना। तो अब बात करें कि संख्याओं की, तो मैंने अभी कहा ना एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी है कि जब हमें गणित का बहुत कम ज्ञान था तब हमारे पास प्रकृति में, जैसे मान के चलो एक पेड़ है, दो पेड़ है, जब जीरो का वर्चस्व नहीं था, जीरो जीरो पेड़ ऐसा थोड़ी होता था, तो इसलिए ये वाली काउंटिंग चालू, उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं हमारी कहां से कहां तक चलती है, एक से लेकर अनंत तक, है ना। मैं लिख दूं क्या यहां पे, देखो इनका समुच्चय बनाऊं तो मैं 1 2 3 से लेकर अनंत तक, अनंत तक चलती है ऐसे, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये मजले ब्रैकेट ये समझाऊंगा कि समुच्चय कैसे बनाया है, वो बाद की बात है। तो एन संख्याएं होती है एक से लेकर अनंत तक, ठीक है, इसमें जीरो शामिल नहीं होती। फिर हमें जीरो के बारे में ज्ञान हुआ, आर्यभट्ट ने आए, उन्होंने जीरो दिया भारत का, है ना, और फिर वो बन गई पूर्ण संख्याएं, कैसी बन गई, पूर्ण संख्याएं, वो बन गई पूर्ण संख्याएं। देखो पहले कैसी थी, प्राकृत संख्याएं, फिर कैसी बन गई, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स, होल नंबर को आप W से व्यक्त करते हैं, होल नंबर, है ना, और ये W की जो संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो और जुड़ गया, जब ये जीरो जुड़ गया तो ये पूर्ण हो गई, पहले देखो प्राकृत थी, फिर ये पूर्ण हो गई, है ना, पूर्ण मतलब W, यानी जीरो और शामिल हो गया। फिर नंबर तीन पर बात करें तो हम पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं, पूर्णांक संख्याएं, देखो हमारी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती चली गई हमने संख्याओं को ज्ञात करते हुए चले गए। अगर आप और ज्यादा इसके बारे में सोचे या डिटेल से कुछ और लिखे तो और संख्याएं बन सकती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर्स, इन्हें जेड या आई से व्यक्त करते हैं, किससे, जेड या आई, आई मतलब इंटीजर, जेड ग्रीक लैंग्वेज से अलग तरीके से बोला जाता है इसलिए जेड से भी व्यक्त करते हैं इसे, तो जेड और आई, ठीक है, इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स माइनस की संख्याएं और शामिल हो गई, पहले माइनस माइनस नहीं चलता था, ठीक है, अब इसके बाद जब हमें नॉलेज हुआ तो माइनस की संख्याएं भी आने लगी, तो वो माइनस की जो संख्या है ना, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी हो, है ना, और माइनस के 2 -1 0 1 2 और अप टू इंफिनिटी, ये हमारी संख्याएं कहलाई पूर्णांक संख्याएं। देखो पहले प्राकृत, फिर पूर्ण हुई, फिर पूर्णांक हुई, ठीक है। फिर बात करें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इन परिमेय संख्याओं को आप क्यू से डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से। और परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो और जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो,
ये आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। P और Q, Q does not equal to zero, जहां P और Q वास्तविक संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं। बात करें अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याएं, अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इन्हें आप Q और ऊपर C लिख देते हैं, ठीक है, इससे व्यक्त करते हैं अपरिमेय संख्याओं को, जिन्हें आप P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे रूट तीन है ना, रूट फाइव, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं अपने दसवीं क्लास में भी पढ़ी है। छठी बात करें आप है ना, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, यहां तक आपने पढ़ा है वास्तविक संख्या है, इन्हें कहते हैं आप रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर क्या होते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, क्यू प्लस क्यू सी, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, आर से व्यक्त करते हैं। इन सारे समुच्चयों को आप डिनोट याद रखेंगे, ठीक है, वो कभी कभी लिख देता है प्राकृत संख्या के समुच्चय कैपिटल एन में, तो एन का मतलब पता होना चाहिए, डब्ल्यू का, जेड, आई का, क्यू का, क्यू सी का, आर का। नेक्स्ट बात करें आप सम्मिश्र संख्याओं की, सम्मिश्र संख्याएं, ये आपको पढ़नी है, आपकी पांचवी एक्सरसाइज में आएगी सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वास्तविक, तो आएंगी आएंगी सारी की सारी है ना, सम्मिश्र संख्या है वो होती है जो x प्लस आयोटा वाई हो, यानी सम्मिश्र संख्याओं में आपके वास्तविक और काल्पनिक दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन आप मैंने कहा ना काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के योग को आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, तो ये आपकी पांचवी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनसे आगे होती है अपने हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, तो ये सारी संख्याएं हैं, इनके ये प्रतीक चिन्ह है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय तक आपको ये याद रखने हैं, तो ये आपकी सारी की सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय को बनाएंगे कैसे, तो समुच्चय निर्माण के लिए दो विधियां आपके काम आने वाली हैं, उन दोनों विधियों को आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो देखो दो विधियां हैं समुच्चय को बनाने की, ठीक है, तो नंबर एक विधि हम पढ़ेंगे रोस्टर रूल, समुच्चय को लिखने की या बनाने की एक ही बात है, तो समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं, समुच्चय को बनाने की दो विधियां हैं, है ना, नंबर एक है सारणिक या रोस्टर रूल, तो समुच्चय निरूपण की विधियां, समुच्चय निरूपण की विधियां, निरूपण की विधियां, दो विधियां आपके पास, ठीक है, नंबर एक है सारणिक या रोस्टर रूल, रोस्टर सबसे आसान, ठीक है, ये क्या होता है, तो देखो समुच्चय जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सारणी के रोस्टर रूप में है ना, सारे अवयवों को, कोई भी समुच्चय आप बना रहे हैं उन सारे अवयवों को, जितने भी अवयव हैं उन सबको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच में कोमा लगा देते हैं, ठीक है, और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते, जैसे ये स्कूल एक शब्द है, इसका मुझे समुच्चय बना रहा है, क्या बना रहा है समुच्चय, तो मैं मझले ब्रैकेट में सारे अवयवों को बंद करूंगा, मझले ब्रैकेट में, देखो हालांकि मैंने अभी कहा ना कि आप 11th का कोर्स लेने जाए तो वो रस्सी से बांधे रखता है, यहां थोड़ी बांधेंगे रस्सी से, यहां आप ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और एक निश्चित ब्रैकेट है मझला ब्रैकेट, इसी का आपको प्रयोग करना है, ब्रैकेट पढ़ा है ना आपने, छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, तो ये बड़े और छोटे की तो बाद की बात करेंगे, ये जो मझला ब्रैकेट है ना, इसके अंदर सारे अवयवों को बांध के रखते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक अवयव को लिख देते हैं इसके अंदर, जैसे एस लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर एल लिख दिया, अब कहोगे सर एक है ओ कहां गया, इस रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते, क्योंकि पुनरावृत्ति कर दी फिर दिक्कत हो जाएगी, मान के चलो मैंने ना क्लास के सारे बच्चों का रजिस्टर में नाम लिखा, एक समुच्चय बनाया, अब राहुल दो बार आ गया, राहुल राहुल, फिर हम क्या करते हैं, राहुल फर्स्ट राहुल सेकंड, अगर दोनों राहुल रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगी, इसलिए समुच्चय में हम सुविधा के लिए कर रहे हैं कि कंफ्यूजन के लिए कर रहे हैं, इसलिए कभी भी किसी भी अवयव की समुच्चय बनाते वक्त पुनरावृत्ति नहीं करते, अब आपके समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करते, तो सारणी का रोस्टर रूप क्या होता है, किसी समुच्चय का जब आप निर्माण करते हैं, आप बनाते हैं या निरूपित करते हैं, उसे निरूपण करते हैं, तब हर एक अवयव को, ठीक है, ये जो समुच्चय के अंदर लिखे गए हैं ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट, तो ये जो अवयव है उन अवयवों को आप लिखेंगे सबको, पर पुनरावर्ती नहीं करेंगे और हर एक अवयव के बाद कोमा लगाएंगे, तो मैं जब इसमें अवयवों की संख्या बात करूंगा तो एक दो तीन चार पांच आएंगे, छह नहीं आएगी, कितनी आएगी,
अगर ये दो ओ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते, यहाँ क्यू होता तो फिर यहाँ एक क्यू और आता, ठीक है। अच्छा, तो पहला पहला तरीका आपने सीखा कि रोस्टर या सारणिक रूप में आप करते क्या है, सारे अवयव, समुच्चय के सारे अवयवों को लिखते हैं मना, और हर एक अवयव में कोमा लगाते हैं, और अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते, मतलब ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं ए से व्यक्त करूं, इसे बी से, जो भी नाम देना चाहे वो आपकी मर्जी है। तो समुच्चय का रोस्टर रूप आपको समझ में आना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर स्वरों का समुच्चय बनाइए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। अब स्वरों का समुच्चय बना रहा हूं, मझले ब्रैकेट में लिखना पड़ेंगे, स्वर क्या होता है अंग्रेजी में, है ना, ए ई आई ओ यू, ये बन गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, और इसे मैं ए से व्यक्त कर दूं, कैपिटल बी से, जो भी आप लिखना चाहें, तो ये समुच्चय बना दिया। इस तरह से आप समुच्चय बनाएंगे। इसी तरह से प्राकर संख्याओं का समुच्चय बनाना, किसका बनाना है, प्राकर संख्याओं का, तो एन से व्यक्त करूंगा, एन से व्यक्त करूंगा, कहां से, एक दो कोमा लगा रहा हूं, तीन और डॉट 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 करके छोड़ दूंगा, डॉट 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 का मतलब है अनंत, ठीक है। तीन डॉट लगा के आप छोड़ दें, फिर आपके पता चल जाएगा कि वो अनंत की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप समुच्चय का पहली जो विधि है वो सीखें कि सारणी का रोस्टर रूप किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड सीखेंगे हम समुच्चय की जो बनाने की विधि है ना, उसे अगले वीडियो में देखेंगे आप।